बिना बात किए ही आप लड़की को कैसे पटा सकते हो, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप अच्छे तरीके से आजमा लेते हो तो यकीन मानिए आप उसे इम्प्रेस कर लोगे, आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे सिर्फ देख करके। जी हाँ, अभी आप इस बात को मानते समय बहुत ही ज़्यादा डाउट करोगे कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, लड़की बिना बात के नहीं पटती है, नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बिना बात के कोई लड़की हमसे अट्रैक्ट हो जाए, अगर ऐसा होता तो आज तक हम सिंगल नहीं होते। मगर यकीन मानिए सिंगल होने का सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि आप सिर्फ देख करके लड़की पटा सकते हैं, सिंगल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते। आपको तो ऐसा लगता है कि मतलब कोई लड़की अगर होगी मेरे लिए बनी हुई तो सिंपली मेरी लाइफ में वो आ जाएगी, और अगर नहीं होगी तो मैं उसका इंतजार करूंगा। भाई आपकी ये सोच नहीं आपको आज तक सिंगल रख रखा है, मगर चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्यार की शुरुआत ना आंखों से ही होती है। कोई लड़की आपको देखती है, देख के पसंद करती है, उसके बाद वो आपसे बात करने की कोशिश करती है, मगर आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, जिसके बाद कोई तीसरा आपके पार्टनर को लेकर उड़ जाता है। तो आपके साथ ही गलती ना हो, केवल इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप आप इस वीडियो कहीं से स्किप नहीं करोगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। और एक छोटा सा चैलेंज है, आप जिसको पसंद करते हो या फिर आपकी जो पार्टनर है उसके नाम का पहला एक लेटर लिख सकते हो, चैलेंज है आपके लिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रोसेसर है कि आप उस लड़की को नोटिस करवाओगे और उससे अटेंशन दोगे, उसके सामने कुछ ऐसी हरकतें करोगे जिसके चलते लड़की को ये बात समझ में आए कि सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए ही वहां पर आते हो। बहुत से लोग ये ट्रिक अच्छे तरीके से नहीं आजमा पाते कि लड़की से आई कॉन्टैक्ट करना, लड़की को आपको देखना है मगर घूरना नहीं है, लड़की को आपको अच्छे तरीके से देखना है, काफ़ी टाइम तक देखना है, कुछ दिनों तक, मतलब एक हफ्ता तक, जब तक उस लड़की का अटेंशन नहीं मिल जाता आपको। और अगर उस बीच में लड़की ने भी आपको पलट कर देखा तो आपको 2 से 3 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट बनाना है, और आई कॉन्टैक्ट बनाने के बाद एकदम से नजरें हटा लेनी है। मगर आपके नजरें हटाने में उतना ज़्यादा डर या शर्म नहीं होना चाहिए, एक मुस्कुरा कर नजरें हटाना ताकि वो आपके बारे में गलत ना सोच सके, ये लड़का मुझे गलत नीयत से देख रहा था इसलिए जब मैंने इसे देखा तो नजरें एकदम से उसने हटा लिया। नहीं, 3 से 4 सेकंड का आप आई कॉन्टैक्ट बनाओगे फिर मुस्कुरा करके नजरें हटा लोगे। इससे ये होगा कि उस लड़की को पता चल जाएगा कि आप उसके लिए आ रहे हो, आप उसको ही देखते हो, आप उसको ही देखकर कुछ ना कुछ थिंग्स करते हो। अब इसके चलते लड़की भी आपके बारे में सोचेगी, आपके बारे में समझेगी कि वो लड़का क्यों आता है, क्यों मुझे देखता है, क्यों मुझे देख करके मुस्कुराता है, कुछ ना कुछ तो बात चली रही होगी ना। इस तरीके से लड़की आपको अटेंशन देना चालू कर देती है, वो आपको नोटिस करना चालू कर देती है, और ना चाहते आपके बारे में भी सोचती है। ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल ही है बरन, कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं ना तो ना चाहते उससे हम अट्रैक्शन बना ही लेते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि वो इंसान, वो व्यक्ति, वो कैसा था कैसा नहीं था, और उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। समझ गए पहला प्रोसेसर। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब उस लड़की को आपको समझाना है कि आपको वो अच्छी लगती है, उसके लिए फ्रेंड आपको ये करना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है आप उसको जब देख रहे हो उसको पता चल गया है कि आप भी उसको देखते हो तो वो आपको पलट कर देखना चाहेगी। कई बार जब वो आपसे आगे निकल जाएगी या फिर आप उससे आगे निकल जाओगे तो आपको तो देखना चाहेगी ना कि ये लड़का पलट कर देखता है या नहीं देखता। वैसे ही फ्रेंड एक लड़की भी करती है कि पलट कर देखती है, और जब वो आपको पलट कर देखे तो यकीन मानिए उस समय आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको उसको देखना है। जी हाँ, आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है, और जब आई कॉन्टैक्ट आप दोनों का प्रॉपरली होने लग जाएगा ना तो अब आपको अगले प्रोसेसर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मगर आपको इतना जानना है कि वो पलट कर आपको जरूर देखे, अगर वो आपको पलट कर देखती है, अगर उसने भी आपको आई कॉन्टैक्ट करना चालू कर दिया है, उसने भी आपको नोटिस करना चालू कर दिया है, तो आपका फ्रेंड आधा काम तो यहीं पर हो गया। मगर भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप उससे आई कॉन्टैक्ट करते हो तो आपकी आंखों में हवस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप उससे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो तो आसपास ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए,
वरना बात फैलने में समय नहीं लगता है। ऐसे में लड़कियां ना अवॉइड भी कर देती है आपके लाइन को। तो थोड़े से स्मार्ट बने और मैच्योर बने इस सिचुएशन में। आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं इससे आई कॉन्टैक्ट करता हूँ तो ज्यादा लोग नहीं होते, जब मैं इससे आई कॉन्टैक्ट करता हूँ इसका मूड अच्छा होता है। तो देखना फ्रेंड, आपको भी एक अच्छा ही भाव मिलेगा। इस प्रोसेसर में आपको 10 से 15 दिन लग सकते हैं, मगर अगर आप लोग स्मार्ट हो ना तो बहुत ही कम दिन लगेंगे। और वो समझ भी जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए ही आते हो, उसको ही देखते हो, उसको ही देख करके मुस्कुराते हो। अब आपको अपनी आई कॉन्टैक्ट की समय को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, जहाँ आप 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड आई कॉन्टैक्ट कर रहे थे, अब आपको 5 से 6 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि आपको करना ही करना है, कोशिश करनी है कि मैं कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल, अगर आपको उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनानी है तो एटलीस्ट कोशिश तो करनी पड़ेगी ना भाई मेरे, अपने आप तो नहीं इम्प्रेस हो जाएगी वो। तो 5 से 6 सेकंड के आई कॉन्टैक्ट करने के बाद अब लड़की को 100% श्योर हो जाएगा कि आप उससे कुछ ना कुछ तो चाहते हो, मतलब कि या तो बात करना चाहते हो या तो उससे दोस्ती करना चाहते हो, और हाई लेवल की बातें तो आपको समझ में आई जाती है क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि लड़की भी आपको पलट कर देखना चाहेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब लड़की आपको पलट कर देखती है, आप उससे आई कॉन्टैक्ट करते हो, तो चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके चेहरों के हाव भाव को ही वो जज नहीं कर पाएगी, उसको पता चल जाएगा कि आप उसके लिए नहीं आ रहे हो, आप उसको लेकर कुछ थिंग्स नहीं कर रहे हो, तो लड़की का भाव मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आपके चेहरों का हाव भाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस चीज का 100% फोल्ड ऑफ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपने इतना सारा प्रोसेसर को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो आपका भाई बता रहा है। एनी टाइम आप उसको नहीं तार सकते हो। जब वो आपको देखती है, अब आप तभी उसको देखोगे। जब वो आपसे आई कॉन्टैक्ट करती है, तभी आप उससे आई कॉन्टैक्ट करोगे। ध्यान रखना फ्रेंड, आप नीचे से लेकर ऊपर तक उसको स्कैन नहीं करोगे, आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे। और जैसे उसने नजरें हटाई, तो आप भी मुस्कुरा करके अपनी नजरें हटा लोगे, ताकि लड़की कंफ्यूज हो जाए कि जब मैं इसे देखती हूँ तभी मुझे देखता, जब मैं नहीं देखती तो बंदा नजरें नहीं मिलाता है ना। ऐसा कुछ ट्रीट करना है, समझ गया आपको फ्रेंड। अगर आपने इस प्रोसेसर को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए, अभी आप देख करके मुस्कुरा रहे थे ना, अब वो आपको देख करके मुस्कुराना चालू कर देगी, क्योंकि उसको ये चीज अच्छी लगेगी कि यह औरों लड़कों से अलग है। एटलीस्ट ये बंदा कोशिश तो कर रहा है ना, ठीक है। छपड़ी की तरह मेरे पास आकर के मुझे प्रपोज नहीं कर रहा, छपड़ी की तरह मेरे पास आकर के मुझे इरिटेट नहीं कर रहा, जाहिल की तरह मेरे पास आकर के मेरे को फॉलो नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, बंदा दिमाग से काम ले रहा है। यार ऐसा बंदा मुझे नहीं मिले तो किसे मिले, है ना। तो ये तरह की सोच रखेगी तो लड़की भी आपको देख करके मुस्कुराएगी, लड़की भी आपको देख करके कॉन्टैक्ट करेगी। अब आप देखोगे कि आपसे जल्दी वो लड़की पहुंच जाती है, आप अगर उससे नहीं दिखते उसे, तो लड़की थोड़ी बहुत बेचैन रहती है, आपको ये चीज देखने को मिलेगा। मगर फ्रेंड, ऐसे में लड़की आपसे पटेगी नहीं। अभी आपका फ्रेंड 80% काम हो चुका है, बाकी का 20% काम कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आखिरी प्रोसेसर है, ध्यान समझना क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। इस सिचुएशन में फ्रेंड, लड़कियां कई बार ना हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि उस लड़की को समझा पाऊँ कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ। कई लड़कियां वो प्रोसेसर को फॉलो करती रहती है और ये सिचुएशन काफी टाइम तक चलता रहता है। आपके साथ ये गलती ना हो, केवल इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप उसे नहीं देखोगे, अब आप उसे इग्नोर करोगे, अब आप 1 से 2 दिन वहां पर नहीं जाओगे, ताकि उसके अंदर थोड़ी बेचैनी रहे, यार वो बंदा आया नहीं, यार वो बंदा मुझे देखा नहीं, आज बंदा आकर के भी मुझे इग्नोर कर रहा था, चल क्या रहा यार, मतलब ऐसे कौन करता है। वो इस तरीके से थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, मुझे तो लगता था कि ये मुझसे प्यार करता है, बट ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, अब तो लड़का मुझे अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, आ नहीं रहा है मेरे पास। इस तरीके से क्या होगा कि लड़की के अंदर थोड़ी बहुत ही सही मगर बेचैनी चालू होगी। अब आप जब 1 से 2 दिन बाद वापस आओगे, तब लड़की सोचेगी, अरे बंदा तो फिर से आ गया, और आने के बाद मुझे इस बार तो देख करके मुस्कुरा रहा है, तो मुझे भी स्माइल करना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा ट्रिक करना चाहिए जिससे कि लड़के को समझ में आए कि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ। अब अगर आपको देखने में लगता है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है, तो भैया सिंपल सी बात है, आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ेगी और उससे बात करनी पड़ेगी। यकीन मानिए, बात तो वो करेगी ही करेगी। आप चाहो तो उसे किसी भी बहाने से बात कर सकते, किसी हेल्प के बहाने से, कि क्या मैं आपका ये सेल फोन 1 सेकंड के लिए यूज कर सकता हूँ, मेरी फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है, या फिर कुछ भी ऐसा, मुझे आपका पेन मिल सकता है, या फिर मुझे आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर अच्छा रेस्टोरेंट का, कुछ भी ऐसा बहाने से बात करके आपको उसके क्लोज जाना है। क्लोज जाने के बाद आपको उससे हाई हेलो करनी है, अगर वो इंटरेस्टेड ले रही है आपकी बातों में, हाँ वो भी अच्छी तरीके से बात कर रही है, बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर आप बहुत स्मार्ट तरीके से कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि उसका नंबर ले सकते हो, उससे दोस्ती कर सकते हो, उसे अप्रोच कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा जो आप कंफर्टेबल समझो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यकीन मानिए, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोसेसर था फिर। अब अगर आप ये बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि सिर्फ देख करके पटा लोगे, तो भाई मेरे
जितना भी मैंने आपको काम बताया ना, ये सिर्फ देखने का ही बताया। अब आखिरी सिचुएशन में भी अगर आप जा करके बात नहीं करोगे तो कैसे पड़ जाएगी पर? है सिंगल ही रहोगे ना, तो थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। मगर जितना काम मैंने आपको बताया इतना काम करके देखो, यकीन मानो वो इम्प्रेस हो जाएगी, 100% इम्प्रेस हो जाएगी, और आपको शायद हो सकता है सामने से ज़्यादा अच्छा भाव और लाइन मिलने लग जाए। ठीक है, क्लियर? अगर कुछ डाउट रह गया हो या कुछ सवाल हो आपका, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर मददगार लगी हो तो बिना लाइक किए जाना मत यार। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करो, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।